यमुनानगर के खिजराबाद के गांव कुटीपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया। इसी का ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे गांव कुटीपुर। यमुनानगर जिले में दो नए मामले सामने आने के बाद आज संख्या 5 हो गई है। इसी में आज गांव कुटीपुर में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसको लेकर पूरे गांव को सील कर दिया गया है। चारों तरफ जो है पुलिस ने इसको सील कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद है, उनसे जानेंगे गाँव को किस तरीके से सील किया गया है, क्या कुछ सुविधाएं गाँव में जो बरती जा रही है। सर, कुटीपुर गाँव में जो है आज कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया, उसको लेकर सरकार की तरफ क्या एहतियात बरती जा रही है? सरकार की तरफ से कुटीपुर गांव को सील कर दिया गया है और गांव में जो राशन पानी वगैरह वो जो है ना वो लिस्ट वगैरह सुविधाएं लिस्ट लगाई जा रही है, उनके हिसाब से ही वो राशन पानी घर घर पहुंचाया जाएगा। जब सर गांव सील कर दिया जाता है तो किस तरीके की जो है बंदिशें गांव पे लगती हैं, क्या लोग अंदर आ जा सकते हैं या बाहर से कोई आना जाना, किस तरीके से क्या सील किया गया? सुबह से आपने क्या कुछ यहाँ पर कार्य किया? यहाँ पर सर ना तो कोई गांव से बाहर जाने देना है शहर की तरफ जी। और ना ही सर उधर से कोई आने देना है जी। ये सच्चे साहब के ऑर्डर है, इसलिए हम अपनी ड्यूटी पर पेटेंट हैं। बिल्कुल, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, गांव कुटीपुर के जो लोग हैं किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं इस? हाँ, कुटीपुर के लोग सहयोग कर रहे हैं, जो हमारे कहने से अपने घर में रह रहे हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो आप लोग दिन रात यहाँ पर तैनात रहेंगे? हाँ सर, हम यहाँ 24 घंटे के लिए तैनात हैं शिफ्ट वाइज। तो ये आप देख सकते हैं गांव कुटीपुर से है, जहाँ पर पूरा का पूरा रोड जो है उसको सील कर दिया गया है, बैरिकेड और लगाकर इसको बंद कर गया है। आपको बता दें ये रोड जो है खिजराबाद से जोड़ती है और ये गांव है पूरा कुटीपुर, इसको दोनों तरफ से जो भी गांव की एंट्रीज हैं एग्जिट हैं उन दोनों को बंद कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर जो है इनको PPE किट्स भी दी गई हैं। पूरे गाँव का जो है मेडिकल जो है स्क्रीनिंग की जा रही है, उसको लेकर जो है प्रशासन हाई अलर्ट पर है।